सरफेस केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पार्ट टू 101 नंबर एमसीक्यूज ए कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ FeOH होल 3 इन वाटर इज कॉल्ड कोलाइड या हाइड्रोफोबिक। तो FeOH 3 वाटर हीटिंग होती है, वो वाटर के साथ बांड बना नई बांड बनाती, तो उसको हम हाइड्रोफोबिक कोलाइड कहेंगे। यानी अगर हम इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देती है, और वाटर के साथ जो हम सॉल्यूट डालते हैं उसको हम उस कोलाइड को हम हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स कहेंगे। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये अगर वाटर के साथ बांड बना देती है तो ट्रू सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो उसको हम कोलाइड्स नहीं कहेंगे। ये वाटर के साथ हम मिलाते हैं लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन बना देती है, और वाटर के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन को हम हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन कहते हैं, या हाइड्रोफोबिक यानी कोलाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिसल्स पोलर मॉलिक्यूल या सर्फिसेंट मॉलिक्यूल्स। तो सर्फिसेंट मॉलिक्यूल्स उसको कहते हैं जिसके सरफेस पर पोल्स हो और वो और मॉलिक्यूल के साथ बांड बना देती है, तो उसको हम सरफेस मॉलिक्यूल कहेंगे, और इसको हम सरफेस्ड मॉलिक्यूल्स बांड भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी ये जो पोल्स होती हैं सरफेस पर वो और मॉलिक्यूल के साथ बांड बना देती है, तो इस वजह से हम सरफेस्ड मॉलिक्यूल कहते हैं। द CMS, CMS किसे कहते हैं, यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन एट विच मिसलाइजेशन स्टार्ट्स या ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड में नहीं होती, कोलाइड में क्या होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन में होती है। तो मिसलाइजेशन स्टार्ट होती है, यानी अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो, यानी स्मॉल अमाउंट्स में मौजूद है, अगर हम स्मॉल अमाउंट्स में साबुन वाटर के साथ मिला देते हैं तो उसकी जाग नहीं होती। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसकी जाग बनती है, तो मिसलाइजेशन स्टार्ट करती है। यानी जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना, यानी उसकी जो जाग होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। द टर्म गोल्ड नंबर इज द एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम किसको कहते हैं कि जो, यानी सॉल्यूट हम सॉल्यूशन में कहते हैं लेकिन कोलाइड्स में हम उसको डिस्पर्स फेस कहते हैं, और डिस्पर्स फेस को अगर हम इलेक्ट्रोलाइट पास करते हैं या हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और जो डिस्पर्स फेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड और यानी कैथोड और एनोड, यानी दो इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, यानी एनोड और कैथोड अगर डिस्पर्स फेस को अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और जब यानी डिस्पर्स मीडियम को अगर हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, यानी एनोड और कैथोड, और वो डिस्पर्स मीडियम को अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहेंगे। जब यानी डिस्पर्स फेस के इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जब यानी डिस्पर्स मीडियम के अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहेंगे। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट, इसमें गोल्ड नंबर है। गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, यानी गोल्ड नंबर में अगर हम दो बीकर्स ले लें, एक क्या होती है, यानी एक लायोफिलिक सॉल्यूशन होती है और एक लायोफोबिक सॉल्यूशन अगर होती है, तो लायोफिलिक क्या होती है, उनमें कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना देती, यानी वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह होती है, और जो लायोफोबिक होती हैं उसमें क्या होती है, यानी कोलाइड्स होती हैं और कोलाइड्स नीचे बैठ जाएंगे, तो हम उसको नीचे प्रेसिपिटेट से बचने के लिए क्या करते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन को थोड़ा डाल देते हैं और वो प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, और जो हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन यानी कोलाइड्स जो हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होती, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर को मॉलिक्यूल्स के साथ यानी प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी गोल्ड नंबर क्या करती हैं, यानी जो यानी लायोफिलिक होती हैं और लायोफोबिक,
तो लायोफोबिक प्रेसिपिटेट होंगे, लायोफोबिक प्रेसिपिटेट होंगे क्योंकि वो वाटर के साथ बांड नहीं बनाती, तो नीचे प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे, यानी जो सॉल्यूट के या हम डिस्पर्स फेस नीचे बैठ जाएंगे, तो उसको हम बचाने के लिए एक थोड़ी सी मिकदार लायोफिलिक के डाल देते हैं और वो लायोफिलिक क्या करा देते हैं, जो लायोफोबिक्स मॉलिक्यूल्स है उनके साथ यानी गिर्द जमा होते हैं और उनको प्रेसिपिटेट से बचाने के लिए उसको अपने यानी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए गोल्ड नंबर क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है। और जितना गोल्ड नंबर कम हो, यानी गोल्ड नंबर जितना भी कम हो 0.005 हो, तो प्रेसिपिटेशन उतनी यानी प्रोटेक्टिव होगी। अगर हम गोल्ड नंबर बढ़ा दे तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या होंगी, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना प्रोटेक्टिव लेयर ज्यादा यानी स्टेबल होगा। अगर हम गोल्ड नंबर को बढ़ा दे यानी 100 डाल दे, 100 गोल्ड नंबर, तो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या होगी, यानी इन्वर्सली होगी, वो कम प्रोटेक्टिव लेयर होंगे, ठीक है। यानी गोल्ड नंबर जितना भी कम हो प्रोटेक्टिव लेयर उतना ज्यादा होगा। 105, इफ द डिस्पर्स फेस इन ए लिक्विड एंड द डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड, कोलाइड इज नोन एज, उसको हम जेल कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं या फोम। तो फोम हम किसको कहते हैं, फोम उसको कहते हैं जब गैस और लिक्विड, गैस इन लिक्विड को हम क्या कहते हैं, फोम, गैस इन लिक्विड को फोम कहते हैं, गैस इन सॉलिड को सॉलिड फोम कहते हैं, सॉल्ट्स किसे कहते हैं, सॉल्ट्स यानी सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड को हम सॉल्ट्स कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा, तो उसको हम सॉल्ट्स कहते हैं। जिल किसे कहते हैं, तो सॉलिड सोल किसे कहते हैं, सॉलिड सॉलिड, तो उसको हम सॉलिड सोल कहेंगे। और जिल यानी अगर हम सॉलिड गैस के साथ सॉलिड इन गैस, उसको हम इलेस्ट्रोल कहते हैं। और अगर हम लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या कहेंगे, जिल, लिक्विड इन सॉलिड को हम जिल कहेंगे, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड को हम जिल कहेंगे और लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन कहेंगे। 106 नंबर एमसीक्यूज, द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम 10 की ताकत माइनस 9 टू 10 की ताकत माइनस 6 मीटर, या 10 की ताकत 9 से लेकर 10 की ताकत माइनस 12 मीटर। तो कोलाइडल रेंज पार्टिकल या कोलाइडर पार्टिकल्स रेंज की डायमीटर कितनी होती है, 10 की ताकत 9 से लेकर 10 की ताकत माइनस 6 मीटर तक। एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड इज, तो एग्जाम्पल बता दे एसोसिएटेड कोलाइड्स की। तो एसोसिएटेड कोलाइड किसे कहते हैं, जब हम मिसल्स पढ़ते हैं, यानी मिसल की कंसंट्रेशन अगर कम है तो कोलाइड्स नहीं बनाते, अगर हम मिसल्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं यानी सोप की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो एसोसिएटेड कोलाइड बन जाएगा, तो उसको हम सोप सॉल्यूशन कहेंगे। यानी ये कम कंसंट्रेशन में कोलाइड्स नहीं बना देते मिसल्स, तो मिसल्स आपने बार बार पढ़ा, तो अगर हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसको हम एसोसिएटेड कोलाइड कहेंगे और ये सोप सॉल्यूशन होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द आर्सेनियस सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द डबल डिकम्पोजिशन हाइड्रोलिसिस, तो हम आर्सेनियस सल्फाइड किसके जरिए, यानी डबल डिकम्पोजिशन के जरिए हम तैयार कर सकते हैं। 109, द प्रोसेस ऑफ प्रिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स फ्रॉम ए प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन या कोगुलेशन, तो जो प्रिसिपिटेट होते हैं या उसको हम प्रिसिपिटेशन कोगुलेशन, यानी इनके तीनों नाम है, तो अगर हम कोगुलेशन को दोबारा डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी वो नीचे प्रिसिपिटेट बैठ जाते हैं और उसको हम दोबारा यानी डिस्टर्ब कर देते हैं और वो दोबारा कोलाइडल सॉल्यूशन बना देती है, तो
तो उसको हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पेप्टाइजेशन। अगर हम प्रिसिपिटेट को डिस्टर्ब कर दे और हिला दे तो वो दोबारा एक कोलाइडर सॉल्यूशन बना देती है और इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिग आर्क मेथड या पेप्टाइजेशन। तो ब्रिग आर्क मेथड के जरिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो ब्रिग आर्क मेथड किस तरह होती है? हम एक बीकर लेते हैं और इसको आइस से भर देते हैं और इसमें और बीकर लेते हैं और उसमें H2O डाल देते हैं और इसको एक आर्क इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए उसको कनेक्ट कर देते हैं और इसमें हाई वोल्टेज लगा देते हैं और ये सिल्वर इसमें मौजूद होती है। तो अगर हम वोल्टेज इसमें पास कर देते हैं तो सिल्वर एवपोरेट होंगे और एवपोरेट करने के लिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसमें वाटर मौजूद है और वाटर क्या है, उसमें आइस भी मौजूद है, तो दोबारा उसको प्रिसिपिटेट करेंगे। तो हम उसके जरिए यानी ब्रिक आर्क मेथड के जरिए हम सिल्वर को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन अभी हमने पढ़ा, पेप्टाइजेशन इज द इनकरेक्ट आंसर। ब्रिक आर्क मेथड को हम एक और नाम से भी यानी जान सकते हैं, इलेक्ट्रो डिस इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, यानी या इलेक्ट्रो डिस इंटीग्रेशन या ब्रिग आर्क मेथड, इसके दो नाम है। 111 नंबर MCQs, ब्रिग आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्ट्स ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड या सोडियम। तो ब्रिग आर्क मेथड हम आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इन चारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सोडियम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ब्रिग आर्क मेथड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन। तो हम सोडियम के लिए ब्रिग आर्क मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने पढ़ा 110 MCQs में कि अगर हम ब्रिग आर्क मेथड सोडियम के लिए इस्तेमाल करें तो सोडियम जब एवपोरेट होंगे तो वाटर के साथ डायरेक्टली बांड बना देती हैं क्योंकि लायोफिलिक है, वाटर के साथ बांड बना देती है तो हमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। तो सोडियम डायरेक्टली वाटर के साथ बांड बना देती है तो हमें यानी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम नहीं मिल सकती क्योंकि वो वाटर के साथ फिर बांड बना देंगे। 112 नंबर MCQs, Which of the following is prepared by the electrical dispersion method as well as reduction method? यानी एक ऐसा मेटल बता दे जो ब्रिग आर्क मेथड के जरिए भी तैयार हो सकते हैं और रिडक्शन के जरिए उसको तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है? सल्फर या गोल्ड? तो गोल्ड क्या है? हम ब्रिग आर्क मेथड के जरिए उसको तैयार कर सकते हैं और रिडक्शन के जरिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह? AuCl3 अगर हम किसके साथ हो SnCl2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो हमें गोल्ड मिल सकता है रिडक्शन में। तो इसके जरिए हम भी यानी रिडक्शन के जरिए हम गोल्ड तैयार कर सकते हैं और सल्फर नहीं तैयार कर सकते। ठीक है, तो ये दो मेथड में तैयार हो सकते हैं गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, यानी दर्जेल में कौन सा लायोफिलिक सॉल्ट्स नहीं है? गम, स्टार्च, ग्लाइटिन या मेटल सल्फाइड। तो गम जो है, स्टार्च है, ग्लाइटिन है, ये लायोफिलिक है और मेटल सल्फाइड क्या है? लायोफोबिक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लायोफिलिक मैंने बार बार बताया, लायोफिलिक यानी वाटर लविंग, जो वाटर के साथ मिल सकते हैं तो उसको हम लायोफिलिक या उसके साथ यानी वाटर के साथ बांड बना देते हैं तो उसको हम लायोफिलिक कहते हैं, यानी वाटर लविंग, वाटर के साथ मोहब्बत करते हैं यानी उसके साथ बांड बना देती है। 114, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यानी सेपरेशन या सेपरेटिंग ए क्रिस्टलाइड फ्रॉम द कोलाइड बाय द फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड, यानी जो हम सेपरेशन करते हैं क्रिस्टलाइन कोलाइड्स के
तो उस प्रोसेस जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं उसको हम डायलाइसिस या कंक्लूशन कहते हैं। तो उसको हम डायलाइसिस कहते हैं, यानी एक मेम्ब्रेन होती है और उसके जरिए हम प्रेसिपिटेट को अलग कर देते हैं, तो हम उसको डायलाइसिस करते हैं। और कंक्लूशन, जब हम प्रेसिपिटेट को नीचे बैठ जाते हैं तो उसको हम कंक्लूशन कहते हैं। 115 नंबर एमसीक्यूज, कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोडायलाइसिस या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं कैथोड और एनोड, और उसके जरिए हम जो यानी कोलाइड है वो उसके पास चिमट जाते हैं। 116, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन कैन रेडली डिफ्यूज थ्रू द परमानेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कोलाइड या क्रिस्टल कोलाइड्स। तो हम जो सब्सटेंस इस सॉल्यूशन के डिफ्यूज करते हैं परमानेंट मेम्ब्रेन के जरिए उसको हम क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एलाम प्योरिफाइड यानी मडी वाटर बाय द कंक्लूशन या डायलाइसिस। तो डायलाइसिस ना हम उसके साथ कंक्लूशन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मडी है यानी मड है वो नीचे बैठ जाए। द प्रोसेस यूज टू फिल्टर सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो प्रोसेस यूज होती है फिल्टर सॉइल के लिए पार्टिकल्स, तो उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में और हम केमिकल यूज करते हैं फिल्टर पेपर्स पर, तो उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल ड्यू टू लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन पार्टिकल्स या स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो लायोफिलिक क्या करा देते हैं, यानी वो वाटर लविंग होती है और वाटर उसके इर्द गिर्द बांड बना देती है तो स्टेबल हो जाती है। तो लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन पार्टिकल्स, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 20 नंबर एमसीक्यूज, डायलिसिस कैन बी सेपरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द एडिशन टू ग्लूकोज फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड, प्रोटीन या फ्रक्टोज। तो हम डायलिसिस कब कराते हैं, यानी जब ग्लूकोज ऑफ ह्यूमन ब्लड टू द proteins, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडल इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब, यानी टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, शुगर सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्ट्स या सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में टेंडल इफेक्ट शो होती है जब हम लाइट पास करते हैं सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में वो लाइट दिखती है, यानी जब वो लाइट देखा जाता है किसी यानी कोलाइड या सस्पेंशन में, तो उसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो गोल्ड सॉइल में भी देखते हैं वो लाइट हम देख सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में हम लाइट को नहीं देख सकते जब हम उसको पास करा देते हैं। उस तरफ हम दिखाई दे सकती है, यानी अगर हम पास करा देते हैं तो उस बीकर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसमें वो रोशनी दिखाई नहीं देख सकती, तो उसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी शुगर सॉल्यूशन में हम टेंडल इफेक्ट नहीं देख सकते। टेंडल इफेक्ट इसको कहते हैं, अगर हम एक बीकर लेते हैं और बीकर में उसमें एक सॉल्यूशन डाल देते हैं और इधर से अगर हम लाइट पास करा देते हैं, यानी अगर हम लाइट पास करा देते हैं तो अगर इसमें हमें नज़र आती है तो उसको हम टेंडल इफेक्ट कहेंगे, अगर इसमें नहीं नज़र आती तो उसको हम नॉट टेंडल इफेक्ट कहते हैं। तो सस्पेंशन में इधर लाइट देख सकते हैं हमें और कोलाइड्स में देख सकते हैं, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में हमें लाइट इधर नहीं देख सकते, तो उसको हम टेंडल इफेक्ट कहते हैं। 122, लायोफिलिक सॉल्ट्स आर सेल्फ स्टेबलाइजिंग या इरिवर्सिबल सॉल्ट। तो लायोफिलिक क्या सॉल्ट्स होती हैं, यानी वो सेल्फ स्टेबलाइज होती हैं क्योंकि वो वाटर के साथ बांड बना देती है, तो वो स्टेबलाइज होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम फ्लोटेशन वैल्यू फॉर द नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट्स, NaCl, BCl2, AlCl3। तो NaCl की नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होगी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
The conclusion value of an electrolyte is measured by the term of conclusion number या गोल्ड नंबर. तो कंक्लूशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर ऑफ द कंक्लूशन नंबर. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 125 नंबर एमसीक्यूज. टेंडल इफेक्ट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन ए सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन. तो टेंडल इफेक्ट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. और टेंडल इफेक्ट यानी 1869 में ईजाद हुआ था. तो टेंडल इफेक्ट यानी अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं और उससे लाइट पास करा देते हैं, तो लाइट अगर बीकर में देखती है तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, अगर लाइट इधर नहीं देखती तो हम उसको ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे. तो टेंडल इफेक्ट इसको कहते हैं कि अगर लाइट देख सकते हैं हम यानी कोलाइड्स में या जो सॉल्यूशन है उसको हम टेंडल इफेक्ट कहेंगे. द सिंपल वे टू चेक वेदर ए सिस्टम इज कोलाइड आर नॉट इज बाय. यानी कि सिस्टम अगर हम देखते हैं कि वो कोलाइड है या नहीं है तो हम वो टेंडल इफेक्ट के जरिए देख सकते हैं. तो भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अभी हमने पढ़ा अगर इधर यानी शो हो रहा है लाइट तो उसको हम कोलाइड कहते हैं और इस प्रोसेस को हम टेंडल इफेक्ट कहेंगे. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलाइड एडिंग इलेक्ट्रोलाइट या डायलाइसिस. तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलाइड इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड करते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन को यानी अपनी तरफ खींचते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अपनी तरफ खींच देती है. तो एडिंग इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. उसको हम यानी डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें. गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो गोल्ड नंबर क्या करते हैं यानी वो गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है. एक बीकर ले ले और इसमें क्या डाल दे, लायोफिलिक और इसमें लायोफोबिक डाल दे. अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो वो यानी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते. अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इसको डिस्टर्ब करेंगे. तो हम इसको यानी एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दे थोड़ा और एक इसमें डाल दे तो ये इफेक्ट नहीं होगा. लायोफिलिक वाला जो वाटर लविंग है और लायोफोबिक जो है वो डिस्टर्ब होगा. तो हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, तो लायोफिलिक सॉल्यूशन इसमें थोड़ा डाल दे तो वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके साथ इर्द गिर्द जमा होंगे और उसको प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे. और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं, गोल्ड. और जो प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जितना गोल्ड नंबर कम हो उतना प्रोटेक्टिव लेयर ज्यादा होगा. अगर हम गोल्ड नंबर ज्यादा कर देते हैं तो प्रोटेक्टिव लेयर कम होगा. यानी वो एक दूसरे प्रोटेक्टिव लेयर और गोल्ड ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो गोल्ड नंबर क्या करा देती है यानी प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बना देती है. वो नीचे नहीं बैठ सकती, जो कोलाइड है यानी पार्टिकल्स वो प्रिसिपिटेट नहीं होंगे. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इफ ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास करा देते हैं, देन इट इज नॉट विजिबल या विल स्कैटर. तो हमने पहले भी पढ़ा है अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में अगर लाइट पास करा देते हैं तो वो पास हो सकती है और इधर सॉल्यूशन में हमें नहीं देख सकती, तो वो सॉल्यूशन में हमें नहीं दिखाई दे सकती, तो उसको हम इज नॉट विजिबल कहेंगे. यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगर हम सॉल्यूशन में लाइट पास करा देते हैं तो वो विजिबल नहीं होती, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में विजिबल हो सकती है. Which of the following commonly used in the treatment of eye diseases is gold antimony, gold colloidal gold. तो ये इसको colloidal antimony लिखे.
कोलाइडल एंटूमनी या कोलाइडल गोल्ड हो सकती है। तो आई जो डिजीजेज है उसको हम काजल के जरिए, जो काजल होती है आई को, यानी आई को जर्म से बचाती हैं और उसकी हिफाजत भी करती है, तो उसको हम काजल कहते हैं एंटूमनी। तो यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। गोल्ड यानी कोलाइडल गोल्ड के ज़रिए हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, यानी कोलाइडल एंटूमनी जो काजल होती है उनके ज़रिए हम उसकी डिजीजेस को काज करा सकते हैं। 131 नंबर एमसीक्यू, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कैटाफोरेसिस या टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट लाइट वाली प्रोसेस को हम कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी ये कहती है कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हैं और उस इलेक्ट्रोड में करंट पास करा देते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन से अपोजिटली चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कैटाफोरेसिस कहते हैं। और कैटाफोरेसिस दो किस्म पर होती है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको कहते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेस को अपनी तरफ खींचती है तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे, और जब डिस्पर्स मीडियम को अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रोड तो उसको हम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहेंगे। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड एज ए जर्म किलर, यानी जर्म के लिए जो उसको मार देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, कौन सा यूज करते हैं मेटल, कोलाइडल सल्फर या कोलाइडल गोल्ड। तो हम कोलाइडल सल्फर यूज करते हैं कि वो जर्म को किलर कर दे। मेडिसन आर मोर इफेक्टिवली इफ दे आर यूज्ड इन कोलाइडल स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट। तो मेडिसन कब मोर इफेक्टिव होगा, यानी जब वो कोलाइडल स्टेट में होती है तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करा देती है ब्लड से और सिस्टम से, तो वो जल्दी यानी असर करा देती है। जितने भी मेडिसन आप देख ले, यानी सिर्फ देख ले, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अक्सर होते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक है और अक्सर टेबलेट भी कोलाइडल स्टेट में होती है, सॉल्यूशन स्टेट में बहुत कम मिलते हैं। कोलाइडल गोल्ड इज ए गिवन बाय इंजेक्शन टू एक्ट एज ए टॉनिक टू राइजेस वैलिटी या जर्म किलर। तो गोल्ड हम उस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि टॉनिक क्या होती है, तो राइज द वैलिटी, क्योंकि गोल्ड क्या होती है, स्टेबल हालत हो और मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करा सकती, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल रेन काजेज बाय द स्प्रिंग, यानी जब हम स्प्रिंग के जरिए आर्टिफिशियली बारिश करा देते हैं रेन, तो किस तरह होती है, अपोजिटली चार्ज कोलाइड डस्ट और द कोल्ड या इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो अभी हमने पढ़ा, ये नहीं हो सकता। यानी अगर बादल मौजूद है ऊपर तो हम लिकाफ्टर में उसको एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ रिएक्शन करा देती है और उसको स्टेबल हालत में लाती है वाटर को, तो फिर वो कोलाइडल स्टेट में नीचे आएंगे तो बारिश होगी। यानी अपोजिटली चार्ज हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल, यानी क्या इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करने के बाद वो बारिश होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, यानी अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर स्टेबल हालत में लाएंगे और फिर बारिश होगी। 136 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, कोलाइडल सिल्वर ब्रोमाइड या कोलाइडल गोल्ड। तो हम फोटोग्राफी के लिए कोलाइडल सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गोल्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। इमल्जन ऑफ पोली विनाइल एसीटेट आर यूज्ड इन लेटेक्स पॉइंट या पॉलिश के लिए। तो हम पोली विनाइल एसीटेट आर यूज्ड इन द लेटेक पॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पेंट होती है उसके लिए, और वो नेगेटिवली चार्ज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्जन, यानी दर्ज ज़ेल में आप इमल्जन की एग्जाम्पल बता दे, लिपस्टिक, शैम्पू या बोथ। तो दोनों हैं, पॉलिश है, लिपस्टिक है, शैम्पू है, ये क्या है, इमल्जन की एग्जाम्पल है। कुड लिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन आयल इमल्जन या आयल इन वाटर इमल्जन। तो कुड लिवर में हम क्या करते हैं, वाटर को एग्जेसियो में लेते हैं, तो वाटर क्या होगा, यानी डिस्पर्स फेस होगा, तो सॉल्यूट के थ्रू इस्तेमाल होगा,
तो वाटर इन ऑयल इमल्जन होती है, कुड लिवर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल, वाटर इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो मिल्क में हम वाटर क्या लेते हैं, यानी डिस्पर्स मीडियम, और ऑयल को क्या लेते हैं, यानी डिस्पर्स फेस में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑयल इन वाटर इज द करेक्ट आंसर। 141 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सिफर, ऑयल, सोप, वाटर। तो इमल्सिफर किसे कहते हैं, जो इमल्जन प्रोसेस होती है उसको, यानी इमल्जन को जब वो स्टेबलाइज करते हैं थर्ड सब्सटेंस, तो उसको हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, और जो सब्सटेंस उसको स्टेबलाइज करते हैं उसको हम इमल्सिफर कहते हैं। तो सोप इज ए इमल्सिफर। एन इमल्सिफर इज ए सब्सटेंस विच स्टेबलाइज द इमल्जन या कंक्लूशन द इमल्जन। तो इमल्सिफर क्या करती है, यानी स्टेबलाइज करती है इमल्जन को। इमल्जन किसे कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड की जो कोलाइडल होती है उसको हम इमल्जन कहते हैं। तो तर्ज सब्सटेंस आकर उसको स्टेबलाइज करती है, यानी इमल्सिफर सब्सटेंस विच स्टेबलाइज द इमल्जन, यानी इमल्जन को स्टेबलाइज कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्जन इज डिफरेंट फ्रॉम कोलाइडल सॉल्ट, यानी इमल्जन और कोलाइडल सॉल्ट क्यों डिफरेंट होती है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस की वजह से या टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट नहीं हो सकती, यानी वो साइज पार्टिकल इन द डिस्पर्स फेस की वजह से उनमें डिफरेंस होती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड डीमल्सिफिकेशन या इमल्जन। तो इमल्जन क्या होती है, लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड को हम इमल्जन कहते हैं। और इमल्जन को अगर हम स्टेबलाइज करते हैं तो थर्ड पार्टिकल्स डालते हैं, तो उसको थर्ड पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मल्सिफिकेशन। और मल्सिफिकेशन को अगर हम, या इमल्जन को अगर हम दोबारा टूटते हैं तो उसको हम डीमल्सिफिकेशन कहेंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अगर हम उसको स्टेबलाइज करते हैं तो मल्सिफिकेशन होगा, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, डीमल्सिफिकेशन होगा। तो हम मिल्क से, यानी ऑयल्स या क्रीम किस तरह निकालेंगे, उसके डीमल्सिफिकेशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द इंटेस्टाइन। यानी वो कहती हैं कि जब खुराक हम खाते हैं और वो डाइजेस्ट होती हैं फैट्स, तो इंटेस्टाइन में क्या होती है, इमल्सिफिकेशन होती है या इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है एक, और एक इलेक्ट्रोस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होती है, जब डिस्पर्स फेस यानी इलेक्ट्रोड अपनी तरफ खींचती हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे, और जब डिस्पर्स मीडियम इलेक्ट्रोड को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्मोसिस कहते हैं। तो ये तो और है, इसमें हम यानी डाइजेशन पढ़ते हैं। तो वो इमल्सिफिकेशन होती है, यानी क्या करती है वो, उसमें और या तो एंजाइम डाल देती है या और चीज़ उसके साथ मिलकर उसको जज़ब कर देती हैं, तो वो स्टेबलाइज करती हैं, तो इस वजह से हम उसको इमल्सिफिकेशन कहेंगे। 146 नंबर एमसीक्यूज, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिविटी या नेगेटिव कैटलिस्ट। तो एबिलिटी कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिविटी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। कि जितना एक्टिविटी ज़्यादा होगा उतने उस कैटलिस्ट की वो रिएक्शन को ज़्यादा यानी स्पीड के साथ रिएक्शन कराएगा। 147, ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीजिंग एंथैल्पी। तो कैटलिस्ट क्या करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है, तो डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्मेशन थ्योरी इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट या ऑटो कैटलिस्ट। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती हैं, कि या तो गैसेस होंगे
यानी होमोजीनियस कैटलिस्ट हो सकते हैं ए ऑप्शन, यानी वो होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ द कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ थ्योरी। जो अब अगर दो गैसेस के दरमियान अगर हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते, एब्जॉर्प्शन क्या होती है गैस की, यानी सॉलिड सरफेस पर एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो कैटलिस्ट यानी दो गैसेस के दरमियान सॉलिड कैटलिस्ट इस्तेमाल होती है तो उसको हम हेट्रोजीनियस कैटलाइजेस कहते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस विच इज कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये कहती हैं कि अगर ए प्लस बी सी प्लस डी बना देती है, यानी द प्रोसेस विच कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, यानी इनमें जो एक ये है सी क्या है, यानी एज ए तोरे कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। क्या कहेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर दो रिएक्शन यानी दो रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना देती है, और प्रोडक्ट में एज एक क्या लेती हैं, यानी कैटलिस्ट हम लेते हैं, वो बतौर कैटलिस्ट काम कर रही है, यानी प्रोडक्ट में, यानी ये प्रोडक्ट एज ए तौर कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, तो उसको हम ऑटो कैटलिस्ट कहेंगे। 151 नंबर एमसीक्यूज। टू पॉइंट्स ऑफ इथेनॉल इज एडेड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म्स टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड। द इथेनॉल एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट हम रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पॉजिटिव कैटलिस्ट यानी रिएक्शन को तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिएक्शन हम स्टॉप करा देते हैं तो नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, यानी स्टॉप के मतलब से आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज या माल्टेज एंजाइम। तो अगर हम ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं तो उसमें यानी जाइमेज एंजाइम इस्तेमाल होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंजाइम स्पेसिफिक होती है, यानी हर एंजाइम एक जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर कंपाउंड्स के लिए यानी स्पेसिफिक एंजाइम होती है, अलग अलग एंजाइम हो सकते हैं। तो ग्लूकोज के लिए हम जाइमेज इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ड्राई ईथर या एसिटेड ला एक्टिवेटेड चारकोल। तो अगर हम देखें मैग्नीशियम प्लस मिथाइल आयोडाइड ड्राई ईथर हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करें और क्या बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा। तो ड्राई ईथर हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट हो गया, यानी हम ये इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। इन द कोजल्ट्स मेथड कॉपर सल्फेट एक्ट एज ए कैटालिक एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम अमोनियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को यानी मिलाने के लिए हम कॉपर सल्फेट एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब हम अमोनियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो उसमें कैटलिस्ट यानी कॉपर सल्फेट हम इस्तेमाल करते हैं। द रिएक्शन ऑफ ज़ाइलॉइड कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द पोर साइज कैविटीज ऑपरेटर्स या आल्स। तो हम ज़ाइलॉइड कैटलिस्ट इन तीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 156 नंबर एमसीक्यूज। द कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय द सोल्ट प्रोसेस प्लैटिनियम रेडियम या आयरन। तो हम किस तरह यानी जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो ये जब यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोल्ड वाटर पर जमा होती है और ऑक्सीजन आती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनियम रेडियम। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
The catalyst used in the Ziegler process of polyethylene manufacture consists of aluminum triethyl and titanium tetrachloride. Yeah, B option is the medium pentoxide. So catalyst is used in the Ziegler process. Polyethylene manufacture consists of aluminum triethyl and titanium tetrachloride. A option is the correct answer. The catalyst SnCl2HCl is used. Substance reduction reaction या Simpson's reduction reaction. तो catalyst हम ये catalyst हम किस में use करते हैं, यानी substance reduction reaction में हम इस्तेमाल करते हैं. A option is the correct answer. The absorption of gases of metal surface, यानी metal surface is called occlusion या catalysis. तो उसको हम occlusion कहते हैं, यानी जब absorption होती है gases metal surface पर. खाली जगह critical temperature of gas the more readily will to be absorbed. यानी अगर हम critical temperature low रखेंगे या higher, तो अगर critical temperature किसकी ज़्यादा है तो absorption उसकी ज़्यादा होगी. तो A option is the correct answer. यानी high critical temperature of gases more readily will be it absorb. 161 number MCQs. The process of absorption is exothermic, endothermic या none of these. तो process of absorption क्या होती है? Exothermic होती है, यानी वो heat को release करती है, तब वो यानी surface पर बैठ जाएंगे और stable हालत में लाएंगे. यानी जो heat को release करती है उसके बाद bond बना देती है. तो absorption क्या है? Exothermic reaction है. The process of absorption is exothermic, endothermic या none of these. तो absorption क्या होती है? न exothermic होती है न endothermic होती है. यानी C option is the correct answer. Absorption exothermic reaction होती है और absorption none of these, न endothermic होती है न exothermic. Physical absorption is a process, खाली जगह, reversible irreversible. तो physical absorption क्या होती है? Reversible होती है. और chemical absorption irreversible होती है. Physical absorption occur rapidly at खाली जगह temperature, low temperature, high temperature. तो physical absorption यानी किस तरह होगी? वो low temperature पर, अगर हम उसकी temperature high कर देते हैं तो फिर गैसेस के जो पार्टिकल्स है फिर वो चले जाएंगे, डिसॉर्प्शन होंगे. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेंपरेचर पर होती है और केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई टेंपरेचर पर एब्जॉर्ब होती है. फिजिकल एब्जॉर्प्शन जनरली खाली जगह विद इंक्रीज इन टेंपरेचर. यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए अगर हम खाली जगह इंक्रीज इन टेंपरेचर, डिक्रीज या इंक्रीज, तो अभी हमने पढ़ा, यानी अगर हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी? डिक्रीज होगी. केमिकल एब्जॉर्प्शन जनरली खाली जगह विद टेम्परेचर. अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसमें इंक्रीज होगा. केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन यानी जो एब्जॉर्प्शन होती है सरफेस पर वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनमें बॉन्ड बनते हैं. मल्टीलेयर आर फॉर्म्ड इन फिजिसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन. यानी मल्टीलेयर किस में होती है? फिजिसॉर्प्शन में. यानी वो गैस पार्टिकल्स आपस में आप यानी मेटल सरफेस पर देके फिजिकल लेयर वो यानी एक से ज्यादा होती है. लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होती है? वन लेयर होती है, यानी मोनोलेयर होती है. केमिसॉर्प्शन में मोनोलेयर होंगे और मल्टी लेयर किस में होंगे? फिजिसॉर्प्शन में. 168 नंबर एमसीक्यूज. द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन चारकोल इज फिजिसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन. तो चारकोल पर जब डस्ट पार्टिकल्स बैठते हैं हाइड्रोजन या और गैसेस, तो उसको हम फिजिसॉर्प्शन कहेंगे. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
In a gas mask, the poisonous gases are absorbed by the activated charcoal. यानी charcoal पर जो gases absorb होती है, the activated charcoal act as absorbent या absorbate. तो charcoal क्या काम करेंगे? As a solvent, यानी absorbent काम करेंगे. A option is the correct answer. The efficiency of absorbent increase with increase in surface tension या surface area. तो efficiency of absorbent increase with increase in सरफेस एरिया. अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्बेंट ज़्यादा बैठ जाएंगे, यानी एब्जॉर्बेंट पर. लैंगोमियर आइसोथर्म होल्ड्स एट लो प्रेशर बट फॉल्स इट हाई प्रेशर या लो टेम्परेचर. तो अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो लैंगोमियर आइसोथर्म क्या होगा, यानी फॉल्स होगा. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मैंने पहले भी ग्राफ बनाया था, यानी इस तरफ अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं और इस तरफ एब्जॉर्बेट बटा एब्जॉर्बेंट, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो यानी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा अगर हम और प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे. तो इस वजह से अगर हम प्रेशर बहुत हाई कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो स्टॉप होगा. 172 ज़ाइलोट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर या बटर. तो ज़ाइलोट एक एंजाइम है या कैटलिस्ट है जो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए हम यूज करते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यानी एक कैटलिस्ट है जो हम हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं. इथेनॉल इज कन्वर्टेड बाय द गैसोलाइन कैटलिस्ट इज आयरन या ZSM5. तो जब हम इथेनॉल कन्वर्ट करते हैं गैसोलाइन में तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 174 नंबर MCQs. शुगर डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज इन्वर्टेज या ज़ाइमेज. तो इन्वर्टेज एंजाइम इस्तेमाल होती है. ज़ाइमेज ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होती है. स्टार्च डिकम्पोजिशन बाय एंजाइम ऑफ जब माल्टोज में कन्वर्ट करती है स्टार्च, तो कौन सा, डाइटेज या ज़ाइमेज? तो डाइटेज होती है. यानी जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होती है तो डाइटेज इस्तेमाल होती है. जब स्टार्च डिकम्पोजिशन होती है ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो उस एंजाइम को हम एमालेज कहेंगे. कोएंजाइम आर खाली जगह कम्प्लेक्स नॉन प्रोटीन आर प्रोटीन. तो कोएंजाइम क्या होती है? नॉन प्रोटीन होती है. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज ए खाली जगह डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म. तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? यानी वो जब एब्जॉर्प्शन करती है तो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है. और एडब्जॉर्प्शन की नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी पहले ज़्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता कम फिर स्टॉप हो जाते हैं. और एब्जॉर्प्शन की यूनिफॉर्म होती है. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इस खाली जगह रेट यूनिफॉर्म रेट होगी या नॉन यूनिफॉर्म. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ए यूनिफॉर्म रेट, यानी उसकी रेट, यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म रेट होती है और एब्जॉर्प्शन की यूनिफॉर्म नहीं होती. पहले उसकी रेट ज़्यादा होती है फिर आहिस्ता कम फिर आहिस्ता, यानी उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है. तो एब्जॉर्प्शन की यूनिफॉर्म नहीं होती. एब्जॉर्प्शन आर खाली जगह ऑफ ए सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट होती है या इनडिपेंडेंट? तो एब्जॉर्प्शन इनडिपेंडेंट होती है सरफेस एरिया पर, लेकिन एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है सरफेस एरिया पर. जितनी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी. तो इन तीनों, यानी एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म होती है और एब्जॉर्प्शन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और रेट एब्जॉर्प्शन की यूनिफॉर्म होती है और एब्जॉर्प्शन की नॉन यूनिफॉर्म होती है, और एब्जॉर्प्शन यानी सरफेस एरिया पर इनडिपेंडेंट होती है और एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट होती है सरफेस एरिया पर. 181 नंबर MCQs.
फिजोजार्पशन इज खाली जगह इन नेचर स्पेसिफिक या नॉट स्पेसिफिक, तो फिजो एब्जॉर्प्शन नॉट स्पेसिफिक इन नेचर होती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी वो स्पेसिफिक नहीं होती कि ये गैस यानी सरफेस पर बैठेंगे और ये गैस सरफेस पर नहीं बैठ सकती, तो वो नॉट स्पेसिफिक, कौन सी भी गैस आ जाए यानी वो सॉलिड सरफेस पर बैठ जाते हैं। लेकिन केम एब्जॉर्प्शन इज खाली जगह इन नेचर वो स्पेसिफिक होती है, यानी वो खास गैस के साथ बॉन्ड बना देती है। किम एब्जॉर्प्शन यानी वो केमिकल बॉन्ड बनाती है, तो केमिकल बॉन्ड उसके साथ बनाएंगे जो उसके साथ स्पेसिफिक हो, नॉट स्पेसिफिक के साथ वो बॉन्ड नहीं बना सकती, तो वो स्पेसिफिक होती है। सॉलिड इन सॉलिड, उसको हम सॉलिड सोल कहेंगे या सोल्स, तो सॉलिड इन सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड इज सोल, यानी सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल और सॉलिड इन लिक्विड को हम सोल्स कहते हैं। सॉलिड इन गैस इलिस्रोल या जिल, तो सॉलिड इन गैस इलिस्रोल, सॉलिड इन सॉलिड इलिस्रोल या जिल, लिक्विड इन सॉलिड को हम जिल कहते हैं, यानी लिक्विड इन सॉलिड जिल, और लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन, लिक्विड इन गैस को इलिस्रोल, यानी सॉलिड इन गैस को इलिस्रोल कहते हैं और लिक्विड इन गैस को इलिस्रोल कहते हैं। गैस इन सॉलिड इज सॉलिड फॉर्म या फोम, तो गैस इन सॉलिड को हम सॉलिड फॉर्म और गैस इन लिक्विड को हम फोम कहते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन में गैस इन गैस नहीं हो सकती, यानी वो इससे काट गया है, सॉल्यूशन में है गैस इन गैस, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में गैस इन गैस नहीं है।